चाइल्ड स्मॉल बार्स ऊपर गार्निशिंग होती थी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम घूमने चलेंगे आर्टिजनल मार्केट जो है गोल्फ कोर्स रोड पे, और ये सिर्फ एक दिन खुलती है। तो मैं कहा चलो आज इसमें चलते हैं और घूम के आते हैं। तो मैं और बहन जा रहे हैं, तो रेडी चले। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, ये है अपना गोल्फ कोर्स रोड, और गोल्फ कोर्स रोड पर ही ये पड़ता है ओरिजिन सेंटर। तो इसी के अंदर हमने पूछा है कि इसी के अंदर लगती है वो मार्केट, तो चलो चलते हैं। ये पैदल जाने वालों के लिए रास्ता है, स्कूटी तो हमने बाहर ही खड़ी कर दी, अरे कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग के लिए काफ़ी अंदर घूम के आना पड़ रहा था तो हमने वहीं कर दी ये एंट्री, और यहाँ पे ये डेकोरेशन है। तो गाइस चलो पहले हम चल के आते हैं वन होरिजन सेंटर के अंदर, उसके बाद चलेंगे मार्केट में। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे मुझे तो इसमें से एंट्री करनी थी ये घूमने वाला, बट ये बंद कर रखा है। वो घूमने वाला नहीं आता, मूवीज़ वगैरह में होता है, मैंने तो आज तक ट्राई नहीं किया, बट ठीक है कोई बात नहीं, चल के आते हैं। यहाँ पे देखते कौन कौन से शोरूम है। हाँ उन्हें बोला कि मॉल्स और इस टाइप की चीज़ें, जैसे नापा डोरी, स्टारबक्स, ये लुक्स का सैलून है एक। उस साइड देख के आते क्या है, अच्छा इस साइड कैफे कैफे और बाकी चीज़ें, चायोस, सागर रत्न, यूनिकॉर्न, एप्पल रिसेल, और ये है हांस किचन, टेस्ट ऑफ कोरिया। अच्छा कोरिया का रेस्टोरेंट है, तो अगर गाइज आप कोरिया के फूड के लवर हो तो यहाँ आ सकते हो। और देखते हैं ये एप्पल का स्टोर है एक, ये गोरमेट, ये खाने का होगा कुछ है ना, एंड ये सागर रत्न इसके अंदर ऑफिस टाइप है। हाँ ये चायोज है, और ये एक HDFC बैंक है। और अब चलते हैं मेन मार्केट की तरफ, जो मैं कह रहा था उसके अंदर से। हाँ ये मार्केट है, और जो मैं कह रहा था इसके अंदर से निकलना है, चलो इसमें से चलते हैं। पर ये खाली एग्जिट का है, पर जा सकते हैं कौन ही कुछ। तो गाइस फाइनली इसमें घूमते हैं, आ जा तू भी कुछ नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं चल रहा। तो गाइस ये है मेन मार्केट, तो चलो अब चलते हैं और देख के आते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स है, क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे। चले, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो गाइज वीडियो देख रहे हैं आप, खाली फील तो नहीं कर सकते, पर खुशबू बहुत बढ़िया है। तो गाइज चलो करते हैं मार्केट स्टार्ट, चले संगीता, चलो देखते हैं। हाँ रिटेलर टाइप है यहाँ, बेसिकली मुझे लग रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, उस टाइप की चीज़ें, जैसे अद्य ऑर्गेनिक्स। अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है यहाँ पे बेसिकली। तो गाइज इस शॉप पे तो आगे आ गए, अब नेक्स्ट है मोन आमी, हैंड पिक्ड बाय PC। अच्छा ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट है ये चिल्ली एल डायब्लो सॉसेज, अच्छा ये सॉसेज है एल डायब्लो सॉसेज। ये है बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टिंग और नेचुरल फार्म ग्रोन होममेड विद जिंजर लेमन, अच्छा ये हर्ब्स वगैरह काढ़ा वगैरह जो होता है। और ये हैंडमेड पोटरी का सामान है ना। क्ले वर्क, और ये है ग्लूटेन फ्री, अच्छा ये बटर और ये सब चीज़ें, ये रहा ना एलमंड बटर, कुकी बटर। गाइज ये है नेक्स्ट सुकून, अच्छा ये परफ्यूम स्टोर है, ठीक है या सोप स्टोर, इट्स अ परफ्यूम स्टोर और सोप स्टोर, सोप हैंड वॉश हैंड लोशन एंड या ओके सेंटेड कैंडल्स या। चलो आ जाओ गाइस, नेक्स्ट है ये डार्क, हाय हेलो, कैन आई मेक यू ट्राई सम डार्क चॉकलेट्स? नो, are you guys the bloggers or what? Yeah right, we are bloggers. Okay, coconut molasses, yeah, kya flavor hai ye? Coconut flavor hai, flavor okay, like that coconut candy, coconut candy, childhood, childhood, yeah, those small bars upar garnishing hoti thi, like small bars, small bars, no it's good, it's
somewhat bringing childhood back to us. Right. With a natural flavor and the organic. They also used to have fillings like this. So guys, next है 16 grams coffee. अच्छा ये वो होगी एस्प्रेसो अमेरिकन. अच्छा टाइप ऑफ कॉफी है ये. और नेक्स्ट है ये टोटली एल्टीट्यूड ऑर्गेनिक एथनिकल सस्टेनेबल. अच्छा ये जूस स्टोर है. ओके वेजिटेबल जूस. और गाइस नेक्स्ट है ये अम्मी जीज. ये क्या है अम्मी जीज? मसाला चाय जैगरी फेनल कूलर. अच्छा ये चाय और वो सब है. ये पापड़ है. और नेक्स्ट है मिस सोसर. ये सॉसेज हैं. चलो नेक्स्ट चलते हैं. और ये है क्या है कोम्बूज इंडिया. ये क्या है कोम्बूज इंडिया? इसमें क्या है? तो भाई संगीता ट्राई करेगी पाइन एप्पल. ऑर्गेनिक टी. ओके चलो आगे चलते हैं. ये होम स्लाइस. अच्छा ये पिज़्ज़ा का है तो आप गाइज यहाँ पे पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हो होम स्लाइस नाम से बनवा के. और ये बैठने का बना रखा है यहाँ पे एम्बियंस. यहाँ पे बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हो. चलो चलते हैं. ये आइसक्रीम स्टोर है ई आइसरी. ओके ये सब्जी का स्टोर है और ये ऑर्गेनिक. और ये अर्थ किचन. ये क्या है डिप सॉसेज एंड बटर्स. अच्छा हाँ तो गाइस नेक्स्ट है ये स्पॉटेड काउ. ये चीज़ है चीज़ ये गाइस वैसी चीज़ है जो टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं जो जेरी खाता रहता है हमेशा. और उस टाइप का इन्हें वो बना रखा है एम्बियंस. नेक्स्ट है ये लीची रो हनी. अच्छा इंडियन समर हनी. बेसिकली यहाँ पे सारे वो हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. और ये अच्छा ये उसके वुड के ब्रशेस काउडंग स्टिक्स फॉर पूजा इको फ्रेंडली रेंज. अच्छा ये इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट. अच्छा शरबत है ये सारे. आपको याद है बचपन में हरे कलर का खस आता था? हाँ 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 असली कलर ही होता है बाकी सब उसमें रंग मिला होता है जो ऑल सिंथेटिक. ओके 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 वुड यू लाइक टू टेस्ट दिस? या श्योर. मदन दो ग्लास में खस देना बेटी. इट्स ऑल ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक. ये सारी फल सब्जियाँ मैं खुद उगाता हूँ. ओके 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 80% मसाले खुद उगाता हूँ. सरसों उगाता हूँ तिल उगाता हूँ उसका तेल खुद निकालता हूँ. ओके मैं सफ़ेद नमक नहीं यूज़ करता इसमें. आई यूज सेंधा नमक. गाइस नेक्स्ट है ये तो सब्जी का स्टोरी है. और नेक्स्ट थोड़ा और देखते हैं. एक है कंपल्सिव अपसाइक्लर. आई थिंक ये रिसाइकल स्टोर लग रहा है मुझे इस. चलो नेक्स्ट चलते हैं अब नेचर में. बेसिकली ये संगीत है सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रिसाइकल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट. ये क्या है? ये चमन प्रास है ऑर्गेनिक चमन प्रास. चमन प्रास चलो आ जाओ. और नेक्स्ट है ये लक्स फार्म्स. अच्छा ये पाउडर है आंवला पाउडर और ये सब पिकल और ये सब चीज़ें ये फ्लावर वगैरह. नेक्स्ट है ये ब्लिस बॉक्स फूड. अच्छा ये कुकीज़ एंड ये सब चीज़ें. ओके ऑर्गेनिक कुकीज. नेक्स्ट है ये चकना. अच्छा चिक्की एंड ऑल ये सब चीज़ें नमकीन और वो सब ऑर्गेनिक नमकीन. और नेक्स्ट है बैटर बेकरी. अच्छा ये केक्स एंड ऑल ऑर्गेनिक केक्स. आ जा
और ये बिटर बेरीज, ये बेरी स्टोर है। गाइस नेक्स्ट है ये कुमोनी ब्लेसिंग्स, अच्छा चीज स्टोर है। ये है अन्याज प्रिजर्व्स, ये क्या है, अच्छा प्रिजर्व पिकल्स और ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है ये टीसा बुआनिया, अच्छा चीज केक्स और ये सब चीज़ें। और ये लास्ट है अलाइव एंड वेल, अच्छा ये परफ्यूम है, ओके योर स्किन अ लिटल लव 20% ऑफ ऑन टू, अच्छा परफ्यूम स्टोर। क्या है परफ्यूम, नहीं परफ्यूम नहीं है ये, अच्छा ओके ये स्किन केयर प्रोडक्ट डन। तो गाइस फाइनली आर्टिजन मार्केट घूम के आ गए हैं, तेरे को कैसी लगी संगीता? सही थी, टेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर तो जो आगे ये बढ़ा सके अपनी मार्केट में, जैसे शार्क टैंक में नहीं था वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके आते थे वैसे टेस्टर्स और बाद में हम खरीद सकें वैसे प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक था मोस्टली तो सारा। हाँ बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ मतलब खांड के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं आता, इन्होंने खांड यूज़ कर रखी जो हम सिर्फ अभी तक घर पर यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मल लोकल लोगों को ही पता होता जिससे मतलब शुगर वगैरह डायबिटीज़ के इशूज कम होते हैं। तो बेसिकली ये लगा लो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सारे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नेचर से रिलेटेड, मतलब ये सारे प्रोडक्ट हैं। बहुत तो ऐसे थे जिन्होंने मतलब खुद की फार्म प्रोडक्ट्स हैं। हाँ खुद के मतलब वो खुद उगाते हैं अपने फार्म में और खुद बनाए, प्रोडक्ट्स भी खुद बनाए हुए, ऐसे नहीं मशीनरी से, हाँ खुद बनाए। तो गाइस आप भी यहाँ पे आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो मार्केट, और इवन प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप परचेज कर सकते हो। और जैसे चॉकलेट खान यूज का ले लेते वरना वो तो स्मॉल के लिए मम्मी के लिए। और मेन ये लगा लो कि ये आई थिंक सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, तो आप आ सकते हो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं घर पे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय गाइज, आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।